देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से दिखाई दे रहे हैं तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 2 जून 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में आज 1333 नए मामले, 18 मौतें और 4098 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 26232 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज 8923 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 135 मौतें और 17386 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 70015 हैं। नंबर तीन, पंजाब में आज 2281 नए मामले और 99 मौतें और 4426 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 31133 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 1171 नए कोविड 19 मामले सामने आए हैं, 2705 रिकवरी और 78 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना ने पिछले 24 घंटे में 2384 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए हैं, 2242 ठीक हुए हैं और 17 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर छः, असम में पिछले 24 घंटे में 4178 नए कोविड मामले, 4389 डिस्चार्ज और 61 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 16387 नए मामले और 21199 रिकवरी और 463 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 1003 नए मामले सामने आए हैं, 2778 डिस्चार्ज और 38 अन्य मरीजों की महामारी से मौत हो गई है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज 25317 नए मामले सामने आए हैं, 483 मौतें और 32263 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 288702 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 867 नए कोविड मामले, 1393 रिकवरी और 17 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर 11, गोवा ने पिछले 24 घंटे में 706 नए कोविड 19 मामले, 22 मौतें और 1711 रिकवरी रिपोर्ट की गई हैं। सक्रिय मामले 11867 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12768 नए कोविड 19 मामले, 15612 रिकवरी और 98 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1276 नए कोविड 19 मामले, 65 मौतें और 6038 रिकवरी दर्ज की गई हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 19661 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29708 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 213 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 15, मध्य प्रदेश ने पिछले 24 घंटों में 991 नए कोविड 19 मामले, 45 मौतें और 4113 रिकवरी दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 20303 हैं। नंबर 16, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 609 नए कोविड 19 संक्रमण और 1449 ठीक हुए हैं और 9 मौतें हुई हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 891 नए कोविड 19 मामले, 29 मौतें और 1292 रिकवरी दर्ज की गई है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में 729 नए कोविड 19 मामले, 14 मौतें और 622 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 9035 हैं। नंबर 19, बिहार में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 1158 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2772 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 46 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 8399 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10594 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 40 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 571 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 864 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15169 नए मामले सामने आए हैं, 285 मौतें और 29270 रिकवरी दर्ज की गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 94.54% है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1514 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4939 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 115 मौतें दर्ज की गई हैं। नंबर 24, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 576 नए मामले सामने आए हैं और 1287 रिकवरी और 103 मौतें रिपोर्ट हुई हैं।
नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 370 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 352 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 1792 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 3244 लोग डिस्चार्ज हुए और 40 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।